कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल, इट्स सुमन ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का वक्त है, अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं। तो चलिए, मैं आपसे आज एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी मैं आपसे, और वो रेसिपी होगी चिकन बिरयानी की, चिकन पुलाव या फिर मुरादाबादी बिरयानी कह सकते हैं आप उसको। तो आप लोग बनाते होंगे, बट हम भी जो बनाते हैं वो भी थोड़ा सा अलग तरीके का है, बहुत लोग उस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए आप भी देखिएगा कि मैं कैसे बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ। एंड फ्रेंड्स, वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भर भर के दीजिएगा। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बिरयानी बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, जो कि थोड़े से लंबे वाले चावल हैं, जिसका पुलाव या बिरयानी बना सकते हैं आप। और ये मसाले हैं, जिसमें सौंफ है, सौंफ के बाद हमारी हरी मिर्च हो गई, और लहसुन, और एक टमाटर, और तेल आप मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल जो भी यूज़ करना चाहते हैं, और नमक। एंड इसमें और भी मसाला आप डालते हो, बिरयानी मसाला वगैरह, बट मैं उन सब के बिना यखनी पुलाव या यखनी बिरयानी या मुरादाबादी बिरयानी, जो भी नाम से इसको आप कह लीजिए। और ये है चिकन, चिकन मैंने 1 kg लिया है, चावल मैंने 750 ग्राम लिया है, वो आप अकॉर्डिंग टू, मतलब कितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आप चावल का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मसाले हैं, इसमें सौंफ, हरी मिर्च, लहसुन, ये तीनों को साथ में पीसना है, ठीक है? तो चलिए मसाला पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, और इसके बाद हमने डालने हैं प्याज फ्राई करनी है। और ये जो मसाला जो पीसा था मैंने, इसमें था सौंफ, हरी मिर्च और लहसुन। तो पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। तो ये देखिए ब्राउन हो गया है लगभग, मैं इतने पे ही इसको निकाल लूँगी, वरना ये ज़्यादा जल जाएगा। तो प्याज जब आप निकालो ना ब्राउन वाले, तो गैस की फ्लेम को कम कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, इसमें आपने खड़े मसाले डालने हैं, आप जो जो ऐड करना चाहते हो। तो मैं इसमें डालूंगी शाही ज़ीरा, जो ज़ीरा से थोड़ा सा पतला होता है, और बे लीफ्स में डाल देंगे इसमें, और आपने जो जो खड़े मसाले डालने हैं, लौंग, इलायची, जावित्री, वो आप सब डाल सकते हो। इसको थोड़ा सा पकने दीजिए, और उसके बाद हम डाल देंगे जो हमने मसाला पीस के रखा है। इस पुलाव का या फिर जो मसाला भुना जा रहा है, उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। बहुत से लोग टमाटर इसमें ऐड नहीं करते हैं, बट मैं कभी जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके, मतलब या फिर कुछ कुछ चीज़ें उसमें से माइनस करके, मतलब अपने हिसाब से कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ कि ये चीज़ ऐड करूँगी तो कैसा टेस्ट लगेगा। तो मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ। मैं जो मसाला बिरयानी बनाती हूँ उसमें तो टमाटर डलते ही हैं, बट आपको पता नहीं चलेगा, तो वो टमाटर इस तरह मतलब पीस के डलते हैं। उस तरह की भी बिरयानी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और इसकी भुनाई करनी है, मतलब इतना भूनना है कि ये टमाटर एकदम सौगी हो जाए, मतलब इसके जो छिलके हैं ना वो अलग होने लग जाए। तो इसकी भुनाई करनी, बट ध्यान रहे कि इसमें भुनाई करने के टाइम पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, या फिर आप ढक्कन ढक के इसको भून ले, कम फ्लेम पे करके भून ले, जैसे भी आप इसको लो, थोड़ा सा फ्लेम जो है वो कम करके भूने, और नमक, इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा टमाटर मतलब पकने में आसानी हो। और मैंने फिर जो मैंने चिकन धुल के रखे हुए थे
उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, सॉरी पानी ऐड नहीं कर दिया, मैंने उसको ग्रीस में डाल दिया है। एंड एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप चिकन बिरयानी बनाते हो या फिर चिकन बनाते हो ना, तो जब चिकन को धुल लेते हैं ना, तो थोड़ा सा नमक डाल के मैरिनेशन के लिए रख दिया कीजिए। उससे जो चिकन क्या होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं, वरना वो टाइट टाइट से बनते हैं। मुझे टाइट चिकन पसंद नहीं है। तो चिकन को ऐड कर दिया इसमें, और पता नहीं किसकी बकरी है, पता नहीं किसने बहुत सारी बकरियां पाली होगी, उसकी आवाज़ आ रही है, कल रात से भी आ रही थी, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, ये मत समझना कि मेरे घर में बकरी है। तो फ्रेंड्स ये चिकन हमने भून लेना है, और मैंने इसमें नींबू भी ऐड कर दिया था। नींबू हम ऑप्शनल यूज़ करते हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो करो। मुझे बिरयानी में थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं टमाटर भी ऐड कर लेती हूँ और नींबू भी ऐड कर लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लो अगर आप खाते हो तो। और चिकन लगभग पक गया है, इस तरह से ऐड करेंगे चावल। तो हमने इसमें चावल को ऐड कर रहे हैं। चावल जो आप ऐड कर रहे हो तो वो देख लीजिएगा कि इसमें जो ठंडा पानी ना जाए, जो चावल आपने धोए थे ना उसका ठंडा पानी ना जाए। बिकॉज़ बिरयानी में क्या है कि आप ना गर्म पानी अलग से आप बॉयल करके रख लो, क्योंकि जो इसमें पानी डलेगा वो गर्म ही डलेगा, वरना ठंडा पानी से अगर डालोगे ना, बहुत से लोग ठंडा पानी प्रेफर करते हैं, बट मैं हमेशा गर्म पानी ही डालती हूँ। तो मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप गर्म पानी डालिए इसमें। इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है, जितना इसमें चावल जो है ना वो पूरा मतलब पूरा सूख जाए पानी इसका, इतना आपको पानी डालना है कि चावल में पानी दिखे नहीं और वो ज़्यादा मतलब ओवर कुक ना हो जाए। अभी आप देखिएगा कि जब चावल पक जाएंगे तो, और इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ी 3-4 इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। बिकॉज़ ये बिरयानी तो बहुत सिंपल सी रहेगी, ये यखनी पुलाव, इसमें मैंने देखा होगा आपने कोई मसाला वसाला नहीं डाला है मैंने इसमें, तो ये सिंपल मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो मिर्च का एक मसाला आता है, हरी मिर्च का आता है, अचार आता है, वो स्पेशली बिरयानी के लिए डालते हैं, लाते हैं लोग, मैं भी यूज़ करती हूँ, तो वो डाल सकते हो। और इस स्टेज पे अगर आप ज़ीरा पाउडर भी डालते हो तो वो भी डाल सकते हो, मैंने भी डाल दिया है, उसको नहीं डालते बट मैं डालती हूँ ज़ीरा, और जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो डाल दिया है। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, जब लास्ट में जब आप इस स्टेज पे पानी डालते हो ना, तो आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक कम है कि ज़्यादा है। और देखिए अभी जो पानी है वो पूरा सूख गया है, और अभी मैंने इसको इतना इसलिए ढका है ताकि मुझे दिखे कि पानी का क्या स्टेज है। और अभी देखिए पानी पूरा सूख गया है इसका, और अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा पत्थर लेंगे या फिर भारी सी चीज़। मैं इस पत्थर को रखती हूँ, जब चावल वगैरह ना पतीली में बनाती हूँ, कुकर में नहीं बनाती हूँ, तो ये ऊपर से मैं रख देती हूँ। जब चावल वगैरह को बंद कर देती हूँ फ्लेम, तो ये ऊपर से रख देती हूँ ताकि वो भाप से चावल थोड़े से खिल जाए। तो इसको मैंने रख दिया है, और जो फ्लेम है गैस की वो पूरी सिम करके रख दी है ताकि बिरयानी के चावल जले नहीं और अच्छा बने और खिला खिला बने। तो मैं हमेशा जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो फ्लेम लास्ट में, जब पूरा पानी सोख जाता है, पूरा सूख जाता है, तो मैं फ्लेम कम करके ऊपर से ये पत्थर, मतलब जो भी आप कहते हो वो, हम इसको सील का पत्थर या एक्चुअली इसको इसलिए रखते हैं ना कभी कभी चटनी पीसने के लिए, बट अब मैं चटनी तो मिक्सी में पीसती हूँ, और जो इसका पत्थर था उसको मैंने हटा दिया है। और ये क्लिप थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, और अभी बन्नी यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बिरयानी लगभग अब रेडी हो गई है, तो देखिए ये बिरयानी आपको कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो प्लीज़ आप रहिएगा, एंड मेरे चैनल क्लिप को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।